हार वो सबक है जो आपको और बेहतर होने का मौका देती है। कुछ ऐसी ही चीज़ें हमें दीवार पे लिखी हुई नज़र आती हैं जब एंट्री होती है अजय देवगन की उनकी अपकमिंग और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फिल्म यानी कि औरों में कहाँ दम था के ट्रेलर के अंदर। आज इस फिल्म का जो है 3 मिनट के आसपास का एक जो है ट्रेलर रिलीज किया गया है, जहाँ पर ट्रेलर लेवल पर जो हमें स्टोरी दिखाने की कोशिश की जा रही है उसकी अगर बात करें तो फिल्म में अजय देवगन का जो कैरेक्टर है उसने 20-22 साल पहले जो है एक रात को 2 बंदों का जो है खून कर दिया था, जिस कारण जो है उसे जेल जाना पड़ा था और अब जो है वो बाहर आने वाला है, उसकी सजा जो है वो खत्म हो चुकी है। पर वहीं देखने को मिलता है कि वो बाहर आना नहीं चाहता है, वो बोलता है कि मैं अभी तैयार नहीं हूं। तो ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ट्रेलर लेवल पर ये एक बहुत ही सिंपल सी लव स्टोरी की तरह नजर आती है, पर ट्रेलर में नजर आने वाले और सुनाई देने वाले ऐसे ही कुछ सीन्स, ऐसे ही कुछ डायलॉग्स के कारण एक भरोसा मिलता है कि नहीं, ये कोई लव स्टोरी सिंपल सी नहीं होने वाली है। कुछ ना कुछ है इस ट्रेलर के अंदर, इस फिल्म के अंदर, जिसे हमसे छुपाया जा रहा है। और यही एक सबसे अच्छी बात है इस ट्रेलर की, ये 3 मिनट लंबा ट्रेलर होने के बावजूद भी ट्रेलर एक काइंड ऑफ इंगेज करके रखने में कामयाब रहता है। एट द सेम टाइम ट्रेलर लेवल पर हमें जो है कुछ खास रिवील होता हुआ नजर नहीं आता है। पर फिर भी अगर एक प्रिडिक्शन के तौर पर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि फिल्म जो कि यहाँ से एक रोमांटिक ड्रामा की तरह नजर आ रही है, एक सीरियस रोमांटिक ड्रामा की तरह नजर आ रही है, जिसको एक दर्द भरी कहानी की तरह जो है प्रेजेंट किया जा रहा है, ये कहानी शायद हो सकता है कि फिल्म के अंदर एक किसी पॉइंट पर जो है एक थ्रिलर का मोड जो है ले सकती है। हो सकता है कि एक इंटेंस थ्रिलर जो है ये फिल्म खत्म होते होते बन जाए, जहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि शायद ऐसा हो सकता है कि फिल्म के अंदर जो तब्बू का जो कैरेक्टर है उसमें हमें कुछ नेगेटिव शेड्स देखने को मिल सकते हैं। 2 कारण है। सबसे पहली चीज कि उस रात को हुआ क्या था, इस चीज को जो है ट्रेलर लेवल पर काफी ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। एट द सेम टाइम यहां पर अजय देवगन बाहर नहीं आना चाहते हैं। क्यों नहीं आना चाहते हैं? वो बोल रहे हैं कि मैं तैयार नहीं हूं। तो किस लिए वो तैयार नहीं है? वो मेंटली वो तैयार नहीं है या फिर वो किसी चीज को प्लान कर रहे हैं और वो बाहर आने के बाद उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? ये सभी चीजें कहीं ना कहीं एक डाउट तो क्रिएट करती ही है। एट द सेम टाइम ट्रेलर को अगर आप देखोगे तो बहुत ही सोलफुल म्यूजिक के साथ, अजय देवगन के कुछ बेहतरीन डायलॉग के साथ, ये अगेन बार बार जो है एक रोमांटिक ड्रामा होने का ही जो है फील देती है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रेलर लेवल पर आपको कुछ ऐसे फ्रेम्स नजर आएंगे जहां पर तब्बू के जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें जो है कुछ ना कुछ छुपा हुआ फील होता है। इसीलिए कहना चाहूंगा कि ट्रेलर लेवल पर ऐसा कुछ बहुत वाव या फिर बहुत कुछ एक्साइटिंग भले ही देखने को ना मिला हो, पर एक फील, एक वाइब मिल रही है कि ट्रेलर लेवल पर बहुत कुछ जो है यहां पर छुपाया गया है, जिसको देखने के लिए मैं एटलीस्ट ट्रेलर देखने के बाद एक्साइटेड हूं। और उसका सबसे बड़ा 2 कारण है। नंबर 1 है अजय और तब्बू की जोड़ी, और नंबर 2 है फिल्म के डायरेक्टर, जिनसे जो है हमेशा से ही जो है हमें अच्छे कंटेंट की उम्मीद रहती है। बाकी ट्रेलर में जो 2 गाने सुनने को मिल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, डायलॉग्स भी काफी अच्छी तरीके से लिखे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिन चीजों को छुपाया जा रहा है वो जो है माइंड ब्लोइंग निकले और अजय देवगन की ये फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हो। वैसे आपका पर्सनली क्या ओपिनियन बनता है इसके ट्रेलर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।